I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Guys, हम लोग हो गए रेडी इवेंट में जाने के लिए. हमारे जीजू हमको छोड़ने जा रहे हैं. ये हम एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ जाएंगे. रात के 3 बज रहे हैं. ये सबसे अच्छे चीजों है हमारे. बेस्ट एक नंबर. आफ्टर मैरिज ब्लॉग. सो गाइस चलो आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट पे. बाय. सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे. एयरपोर्ट पे थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद हम पहुंचते हैं सीधा अपना बोर्डिंग पास निकालने के लिए. बोर्डिंग पास निकालते टाइम हम लोगों को पता चला कि हमारी फ्लाइट 2 घंटा लेट है. गाइस ये लोग कर रहे हैं अपना टाइम पास यहाँ पर. अब 2 घंटे तक कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो करना ही होगा. यहाँ पे नजारा तो काफी अच्छा है यार, लेकिन बोर हो रहे हैं यार. 2 घंटे तक करेंगे भी क्या. कोई नहीं गाइस, मिलते हैं फ्लाइट में. तो हम आ गए हैं बस के अंदर. ये बस हमको फ्लाइट के पास उतारेगी. ये है भैया, ये हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे. और ये सॉरी ये मेरा भाई है. और ये लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है. टिकट तो हमारी फ्लाइट की थी, लेकिन हम यहाँ बस के अंदर क्या कर रहे हैं. उसको बार बार देख रहा है. किसकी नजर वहीं पर है. फाइनली गाइस हम आ गए मुंबई. और मुंबई में हमको मिलने वाला हमारा एक यूट्यूबर फ्रेंड. और कैसी हो चिन्नू मुन्नू वंशवती? बढ़िया भाई बढ़िया. क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई. कैसे भाई? कितना वेट करना पड़ा? काफी करना पड़ा. कैसे भाई? हमारी फ्लाइट ज्यादा लेट हो गई थोड़ा. और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया था. ये जो ब्लैक टी शर्ट में लड़का खड़ा है ना, एक्चुअली मेरा मुंबई का फ्रेंड है, जो इवेंट के बाद हमको पूरी मुंबई घुमाने वाला है. बाय गाइस. कोई नहीं कोई नहीं. तो भाई लोग यहाँ पर मिल गया हमको रूम. बहुत ही मुश्किल से मिला, मतलब इतनी गर्मी है ना बाहर. तो बस परम जी की कृपा थी यार. बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा परेशान हो गए. ये सामने देख रहा हूँ वो जो पेड़ है, एक्साइटेड हो गया. वो पेड़ मन के लगाया हुआ, इस व्यू को पैसा दे रहे हम. समझ रहे हो? सो गाइस ये लोग कर रहे हैं पुनी और सी पुनी चुन्नू कर रहा है इसकी हेल्प. परम भाई कितना टाइम लगेगा बांधने में? अरे बांधने तो लग जाते आधा घंटा भी लग जाते, 15 मिनट भी लग जाते. आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट कुछ भी लग सकता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है. शुभम फर्स्ट टाइम में दे रहा था? फर्स्ट टाइम गदर में देखा था मैंने. फर्स्ट टाइम गदर में देखा था, सेकंड टाइम है. गाइस हो गए सब लोग रेडी. सब रेडी बैठे हैं, कपड़े चारों तरफ फैले हुए हैं. और ये परमजीत बांध रहे हैं अपनी पग. मैं दूसरी बार बांध रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे अच्छी तरह से बांधे नहीं गई थी. तो आई थिंक कितना टाइम लगेगा भैया? 15 मिनट तो हो गए शायद. 15 मिनट हो गए. आई थिंक 20-30 नहीं 15 मिनट हो गए, लेकिन इसको अभी 1 मिनट हुआ है. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? गाइस आई एम ऑलवेज रेडी. हां गाइस रेडी हो? यस रोहित. अरे वो नहीं है. अब आया थोड़ा मूड में. तो मिलते हैं गाइस आपसे फैन फेस्ट पे. एंड गाइस हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे जहाँ यूट्यूब का इवेंट होने वाला है. और अंदर आने से पहले हमारा मेन गेट पे QR कोड चेक हुआ था, जो कि हमें यूट्यूब ने भेजा था. बट गाइस अभी हमारा VIP पास लेना बाकी है, क्योंकि हम यूट्यूब के इवेंट पे एज ए VIP गेस्ट आए हैं. सो फाइनल गाइस हमको अपना यूट्यूब का VIP पास मिल गया. चलिए अब चल के मेन एंट्री कर लेते हैं. एंड गाइस यही है वो गेट जहाँ आने का हर एक यूट्यूबर का सपना होता है. यहाँ हमारा एक बार वो पास स्कैन होगा, देन हम एंट्री कर लेंगे. बट गाइस ये VIP एंट्री नहीं है. सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए अंदर. अंदर आने के बाद ऑडियंस का इतना ज्यादा क्राउड था ना, बहुत ही ज्यादा. बट सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज था गाइस. यूट्यूब ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था. ऑडियंस का भी इतने अच्छे से ध्यान रखा होता है गाइस कि उनके लिए फोटो क्लिक कराने के लिए स्पॉट्स बना रखे हैं, वीडियो बनाने के लिए स्पॉट्स बना रखे हैं. और भी काफी एक्टिविटीज आप इधर आके कर सकते हो, मतलब कि आप इधर आओ और बोर हो जाओ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता गाइस. एंड गाइस इधर जो फोटो लगे ना वो उन केटर्स के लगे हुए हैं जो आज स्टेज शो करने वाले हैं, लाइक ठगेस हो गया, पायल गेमिंग हो गई, मिथपैट हो गया और भी बहुत सारे. एंड गाइस हमारे ही फोटो लगे बट वो इधर नहीं लगे. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइस. उससे पहले थोड़ा लुक मार लेते हैं.
surprise for you. Sunna on the wine. गाइस YouTube की यही बात तो दिल जीत लेती है, वो छोटी छोटी चीजों को इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करता है ना, लाइक कि तुम कुछ हो, तुम हमारे लिए वैल्यू करते हो, इसलिए तुम्हारी फोटो इधर लगी है। और गाइस इधर वीडियो बनाने के लिए ना काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, एक एक करके लोग आ रहे थे अपनी वीडियो बना रहे थे। और सॉरी दोस्तों, मैंने तुम्हारा सॉन्ग म्यूट कर दिया बिकॉज मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है। एंड दोस्तों ये जगह ना वन ऑफ द बेस्ट जगह थी फोटो क्लिक कराने के लिए, अंदर ना मिरर लगाए होते चारों तरफ, आप मिरर में जाकर मिरर सेल्फी ले सकते हो और कलरफुल सा फील आता है जब आप इसके अंदर घूमते हो, बहुत यूनिक वाइब्स आएंगे इसके अंदर आपको। मैंने अपनी प्रोफाइल जो हमारी YouTube की जो हमारे फोटो लगे हैं वो तो आपको दिखा दिए हैं, अब मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे वीआईपी सेक्शन में, जहां आने का हर एक यूट्यूबर का सपना होता है। बट गाइस हम थोड़ा जल्दी आ गए, अभी तक कोई क्रिएटर नहीं आया था। हम लोगों ने जिस क्रिएटर से भी बात की ना, उन लोगों ने बोला कि हम 7 बजे के बाद ही आने वाले, क्योंकि मेन इवेंट 7 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। हम थोड़ा जल्दी आ गए, वापस जाके भी क्या करते हैं, हमने थोड़ा बैठने बैठने का अपने अरेंजमेंट देखा और थोड़ी देर बैठ गए जब तक इवेंट स्टार्ट हो ही जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। तुम मान मेरी जान। तो गाइस ये है वो माहौल जब टैंक पैक होता है खत्म, सब लोग टैंक ले रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा हो गया हमारा हॉल खाली, लेकिन वहां पर लोकल पब्लिक अभी भी है। वहां जिन्होंने स्टेज शो किया था उनके साथ सेल्फी चल रही है। क्या खा रहे हो? कैसा टेस्ट? कैसा टेस्ट? एवरेज बफे सिस्टम है भाई साहब। तो भैया हमें कुछ अच्छा और बढ़िया खिलाने वाले हैं। डरो मत, इसका हल मेरे पास है। क्या हो रहा है पीछे? थैंक यू भैया। सबसे प्यार से रहना, सभी लोग का प्यार रखना। क्या खाना भाई? भाई रसमलाई खाएंगे। लेट्स गो भाजी। क्या खाना? कैसा लग रहा? थैंक यू मैम। एंड गाइस इवेंट हुआ खत्म, हमारा एक फ्रेंड खो गया था, खाना खाते खाते पता नहीं किधर चला गया। हम उसको ही कॉल कर रहे हैं, वो जैसे आएगा हम निकलेंगे बाहर की साइड। वेटिंग। ये क्रिएटर है जो आप रोड पे बैठे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं फैनफेस्ट से अपने होटल पर और अब सब लोग सो रहे हैं, सब लोग काफी थके हैं। हाँ भाई रोहित। भाई आज तो अपना नहीं आता यार वो। हाँ भाई रितु। बहुत ज्यादा थक गए, अब कल जाएंगे कहीं घूमने मॉर्निंग में उठ के, अब हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं कुछ करने के लिए। तो गाइस सी यू टुमारो। यार थक बहुत ज्यादा गए हैं, मेरे को तो बस बेहोशी वाली नींद आ रही है। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय। सो गाइस हम लोगों के रेडी, अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। अभी कंफर्म नहीं कहाँ घूमने जाएंगे, बाहर निकलेंगे पहले नाश्ता पानी करेंगे उसके बाद जाएंगे हम घूमने। तो सलाम भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
अंबानी मुकेश अंबानी। हाँ मुकेश अंबानी, अरे वाला जो भी चला नहीं, और अरे वो जो टपरी वाला है। अच्छा टपरी वाला मुकेश अंबानी का हमारी मीटिंग है। अब हम लोग जा रहे हैं, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे घूमने। आप ब्लॉग में बने रहना। सो गाइस बाय। अपने पाजी ने कन्वेंस कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, भैया कर रहे हैं मना। अब बनाइए, हम बनाने के लिए दे रहे हैं। अरे यार मान ही नहीं, बोल रहे हैं कि वीडियो तब बनाऊ बनाने दूंगा मैं अगर आप सभी चार लोग खाओगे। सबको खिला दे, वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सबको खिला दे, बना दो अंकल जी। मैं यहां पर करूंगा, अंकल जी मेरे पास है, ठीक है अंकल जी। देख लीजिए इन्फ्लुएंसर कैसे करते हैं। गाइस ये है जुहू बीच का मार्केट, यहाँ खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो गाइस पाजी ने वापस वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी है, परेशान कर रहे हैं भैया को। भाई दुनिया में किसी के साथ आना, फूड ब्लॉगर के साथ मत आना, फूड ब्लॉगर के साथ मत आना कभी भी। आप में से भी ट्राई करके देखो इसको। यस चलो भाई ट्राई करेंगे। रुको रुको भैया, आपने बंद कर दिया। चलो भाई के मुंह में जाने वाला भाई, आप इसको ट्राई करके देखो। जी टेक डिसएडवांटेज तो ये है, पर हम भाई इधर उधर जा रहे हैं और लोग हमें ऐसा घूर रहे हैं जैसे हम कुछ वीडियो के लिए कुछ अलग मांग रहे हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो भी ले रहा है ना बाद में खा रहा हूँ। तो जुहू बीच पे हमें मिले दुष्यंत भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, कैसे हो? हम अभी मिले थे फैन फेस्ट में, अभी इधर मिले जो बीच पे। हाँ पूरा मजा आ रहा है। दूसरे भाई को पकड़ लिया गया पर हमने ले लिया रिमांड पर, वीडियो बनाई जा रही है। नर्वस मत हो यार भाई, नर्वस हो रहे हो। गाइस रोशन भाई लेके जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, बता रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, मजा आ जाएगा। यहाँ तो मजा आ गया पूरा, अब देखते हैं गेट ऑफ इंडिया पर क्या होता है। ओके गाइस चलो मिलते हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया, और गेट ऑफ इंडिया हम कैब से नहीं जा रहे हैं, हम लोकल ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि हमको लोकल ट्रेन का भी एक्सपीरियंस लेना था कि कैसा होता है। कैसा लग रहा है भाई? भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ तूफानी है अभी तो आया है भाई, आज ट्रेन बहुत खाली है, क्राउड कम है गाइस आज, मजा पूरा है पकड़ने के लिए। घर के बड़े खुश होंगे इस लोग को देख के। क्यों घर के बड़े खुश होंगे? कहेंगे चल फाइनली गाड़ी से तो नीचे उतरा। तो गाइस हम लोग आ गए गेटवे ऑफ इंडिया, ये रहा मेरे पीछे ताज होटल, और ये रहा मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस मेरे पीछे है ताज होटल, और हम इधर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं विजिबल होगा पर रियल में बहुत अच्छा विजिबल हो रहा है। ये मेरे फ्रेंड देख रहे हैं मुझको ब्लॉग बनाते हुए, हंस भी रहा है एक तो। सो गाइस थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर की, और हमने लिया फिर एक गेम। सो गाइस हमने की कैब, हम सीधा पहुंच गए मरीन ड्राइव, क्योंकि हम लोगों ने सुना है वहां का नाइट व्यू बहुत अच्छा होता है। सो गाइस इस टाइम हम मरीन ड्राइव पे, मरीन ड्राइव पे काफी अच्छा मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, नाइट व्यू तो काफी अच्छा है, मतलब मजा आ रहा फुल। एंड गाइस हम लोगों ने एक दो घंटा इधर ही बिताया, सामने से ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और सामने तुम्हारे समुंदर हो, एक अलग ही तरह की तुम्हें वाइब इधर आएंगी बैठने के बाद, मतलब टाइम कब निकल जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। शुभम हो रहा है कंफ्यूज कि हम क्या खरीद के लाए। एक्चुअली शुभम आज हमारे साथ नहीं गया था, उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स इधर ही रहते हैं, वो उनके साथ ही घूमने गया था। कितने डबरू बताया था काफी टाइम से लेने वाले। मैं एक हिंट दूं, ये ऐसा गेम है, एक इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ना, वर्ल्ड के बड़े यूट्यूबर ने खेला था, कैरिन मैटर मिस्टर बीस्ट ने गेम खेला था। एंड गाइस ये है मेरा फ्रेंड रोशन, ये मुंबई में रहता है, ये अपनी बॉडी दिखा के हम लोग को मोटिवेट करा था, तुम लोग भी जिम जाओ। अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हो मैं इसके चैनल के लिंक दे दूंगा, प्लीज को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस इधर टाइम पास करने के लिए हो रहा है पंजा शो, मतलब कि ये लोग एक दूसरे पंजा लड़ा है किसमें ज्यादा जान है। आगे लड़ा रहे हैं दो लोग पंजा, पीछे बैठा है एक सुअर। ओ वाह।
चल चल ये शाम को पैक की कसम। सुबह सुबह रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं बाहर, देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। परम भाई बना रहे हैं मेरा ब्लॉग्स, परम भाई ब्लॉग से ब्लॉग तक आ गया। ओ ये चोर मचाए शोर। सो गाइस कहाँ जा रहे हैं हम रोशन? बैंडस्टैंड। वहाँ क्या है? वहाँ पे कुछ नहीं है, वांटेड की शूटिंग, वांटेड का पार्ट 2 बनाने आ रहे हैं। वांटेड का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं गाइस। हम लोग आ गए शाहरुख खान के घर के सामने। ये है मन्नत, सामने दिख रहा होगा आपको, ये उसकी बिल्डिंग है पूरी, ये देखिए क्या मस्त व्यू आता है इधर से। और ये सब शाहरुख खान का घर देखना है बताओ। ये सब लोग शाहरुख खान के घर की वजह से आते हैं इधर, सामने घर देख के थोड़ी देर इधर आके रेस्ट करते हैं, मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम भी रास्ते में चली रहे हैं, कोई अच्छी जगह देख के कुछ देर बैठेंगे फिर आगे जाएंगे। ओके गाइस। सो गाइस थोड़ा टाइम उधर बिताने के बाद हम लोग आगे मॉल में, क्योंकि हमारी रात को फ्लाइट 11 बजे और अभी 6 बजे, अभी हमें 3 घंटा और इधर उधर निकालने होंगे। उसके बाद हम अपने होटल से बैग उठाएंगे और सीधा चले जाएंगे एयरपोर्ट। हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे, अब हमने बोर्डिंग अपनी कर, बोर्डिंग पास ले लिया है और हमारी चेकिंग भी हो गई है। अब थोड़ा खाना पीना करते हैं, उसके बाद हम फ्लाइट में बैठते हैं। हमारी फ्लाइट हो गई है 1 घंटा लेट। सो गाइस ये बंदे प्रीमियम लाउंज में एंट्री नहीं कर पाए, अब देख लो किस चीज से काम चला रहे हैं। खट्टा नहीं था, पेंटा चल रही है गाइस। सो हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट है, अब हम आपको मिलेंगे दिल्ली जाकर ही। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे दिल्ली के बाद। ओके गाइस बाय बाय। तो चलो भाई फैंटास में मजा आया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मुंबई मुंबई छोड़ने, मुंबई में मजा आया, अच्छा लगा। जो मैं जो पठान की सेकंड कॉपी। सो भाई मुझे बहुत मजा आया और मैं चाहता हूँ जल्दी फैन फेस्ट आए, जल्दी अब अगले साल आएगा। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं दिल्ली यहाँ से। अब दिल्ली में जाने के बाद ये ब्लॉग, अब मतलब ये ब्लॉग हम इधर ही एंड कर रहे हैं। अब आपको अगला ब्लॉग मिलेगा, देखते हैं कहाँ जाएंगे हम। अब 24 अगस्त को हमारा है YouTube कलेक्टिव, ट्विटर कलेक्टिव, गुड़गांव में, वहाँ मिलेंगे आपको। सो गाइस बाय बाय, लव यू।